गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका। आज हम कक्षा 8 का तृतीय पाठ पढ़ेंगे। तृतीय पाठ जो कि हमारा गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस तो आप सभी जानते हैं, गणतंत्र दिवस मतलब क्या है ना, जैसे हम 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हम हर वर्ष हमारी शाला में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, है ना। और हम जानते हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन क्या क्या होता है और गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, कब से मनाते हैं। तो जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ, है ना, जिस दिन हमारे देश का संविधान बना, संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, ठीक है, कब हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947। और हमारा संविधान कब बना और कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तब से ही हम प्रतिवर्ष हर वर्ष 26 जनवरी मनाते हैं, है ना। अब 26 जनवरी मनाते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन और हमारे देश में, हमारे प्रदेशों में क्या क्या होता है, ये हम और उससे से जानेंगे। हम जानते हैं 26 जनवरी पर कई हर प्रदेश की अपनी अपनी झांकी निकलती है ना, झांकी बनाई जाती है। हम भी यहाँ देखते हैं कई रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, देशभक्ति गीत गाए जाते हैं, देशभक्ति भाषण दिए जाते हैं, रैली निकलती है। तो बड़े उत्साह के साथ बड़े बच्चे सभी बड़े उत्साह के साथ इस राष्ट्रीय त्यौहार को मनाते हैं। गणतंत्र दिवस क्या है, एक राष्ट्रीय त्यौहार, ठीक है। अब गणतंत्र दिवस ये जो पाठ है हमारा, ये एक संवाद जिसमें शिक्षक और छात्रों के बीच में संवाद मतलब बातचीत हो रही है कि गणतंत्र दिवस मनाने से पूर्व की बातचीत और जब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो गणतंत्र दिवस में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, किस प्रकार मनाया जाता है, ये सब। और सबसे मुख्य कार्य क्या होता है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर, हमारा तिरंगा झंडा फहराना, ठीक है। और वो झंडा फहराने के बाद ही बाकी सारे कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। अब तृतीय पाठ, आप सबके पास पुस्तक है तो अपनी पुस्तक खोल लीजिए, हम पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे, उसके बाद उसके अभ्यास कार्यों को करेंगे। उससे पहले मैंने कुछ शब्दार्थ लिखे हैं, हम उनके अर्थ देखेंगे। सुप्रभातम अर्थात सुबह का नमस्कार, मार्गदर्शन निर्देश, अभ्यासयाम हम अभ्यास करते हैं, देशभक्ति परायणी देशभक्ति से युक्त, चित्ताकर्षणम मन को आकर्षित करने वाला, भाषा धारे भाषा के आधार से, फिर त्रिवर्ण ध्वजारोहण अर्थात तीन रंग के झंडे का फहराना, तिरंगा झंडा, है ना। कौन कौन से तीन रंग होते हैं उसमें, केसरिया और सफेद और हरा, और आप जानते हैं कौन सा रंग किसका प्रतीक। चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। विद्यालयस्य सभाकक्षे वंदे मातरम् इति राष्ट्रीय गीतस्य पूर्वाभ्यासं प्रचलति तदवसरे शिक्षकः प्रविशति। अब विद्यालय का जो सभाकक्ष है वहाँ पर वंदे मातरम् जो कि क्या है, हमारा राष्ट्रीय गीत, इस राष्ट्रीय गीत का पूर्वाभ्यास चल रहा है, अभ्यास चल रहा है, और उसी अवसर पर शिक्षक वहाँ प्रवेश करते हैं। अब शिक्षक कहते हैं सुप्रभातम छात्राः, कथम चलति पूर्वाभ्यास, सुप्रभात छात्रों, कैसा चल रहा है आपका पूर्वाभ्यास। सर्वे सभी कहते, सभी बच्चे कहते हैं गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार, सम्यक अच्छी तरह से प्रचलत, अच्छी तरह से चल रहा है, गणतंत्र दिवसार्थम राष्ट्रगानम राष्ट्रगीतम च ताल लयबद्धम अभ्यासयाम, कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ताल और लयबद्ध के साथ गाने का अभ्यास हो रहा है। शिक्षक उत्तम, बहुत बढ़िया, देशभक्ति पराणि अन्यानि गीतानि अपि प्रस्तुतं प्रभवन्ति, देशभक्ति से भरे हुए गीत और अन्य गीत भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, है ना। यदि हम हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है उस पे अन्य गीत भी गा सकते हैं और देशभक्ति गीत भी गा सकते हैं। श्यामला गुरु भाषणार्थम भवतः मार्गदर्शनम आवश्यक, जो श्यामला है वो कहती है गुरुजी भाषण के लिए आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, आप हमारा मार्गदर्शन
अच्छे से हमारे इस राष्ट्रीय त्यौहार पर भाषण दे सके। शिक्षक निसंकोचं पृच्छतु, निसंकोच पूछो। यद अहं जानामि तत् कथयामि, जितना मैं जानता हूँ उतना कहूँगा या बताऊँगा। ज्योत्सना, गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस इव राष्ट्रीय पर्व के। गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस की तरह ही क्या राष्ट्रीय पर्व है? क्या स्वतंत्रता दिवस की तरह ही गणतंत्र दिवस भी एक राष्ट्रीय पर्व है? शिक्षक आम हाँ, है ना। जिस प्रकार हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं उसी प्रकार हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के दिन क्या हुआ था? हमारे देश को आज़ादी मिली थी। और गणतंत्र दिवस के दिन क्या हुआ? हमारे देश का संविधान लागू हुआ। जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके 26 जनवरी भारतीय वयम गणतंत्र दिवसम उत्साहेन आयोजयामः। जनवरी माह की 26 तारीख को हम भारतीय गणतंत्र दिवस उत्साह के साथ आयोजित करते हैं या मनाते हैं। राजेश, अस्मिन् पर्वणि दिल्ली नगरे स्थल सेना जल सेना वायुसेना नाम पथ चलना दीनकम अद्भुतम चित्ता आकर्षकम च भवति श्रुतमया। इस पर्व पर दिल्ली नगर में जल सेना स्थल सेना और वायु सेना का पथ चलना का परेड अद्भुत मन को आकर्षित करने वाली होती है, ऐसा मैंने सुना है। सुहासिनी, गुरु अत्र महोत्सव वायु सेना या जेट विमानानि उड़ियन्ते। इस महोत्सव में वायु सेना द्वारा जेट विमान उड़ाए जाते हैं। वर्ण रंजित धूमं च निस्तारयन्ति इति श्रुतं मया, और उनसे अनेक रंगों का धुआं भी छोड़ा जाता है, तिरंगे के रंग का भी छोड़ा जाता है, तो अनेक रंग का धुआं भी निकलता है, ऐसा भी मैंने सुना है। शिक्षक सत्यम, सही सुना है, सही है। गणतंत्र दिवस से भारत से राष्ट्रपति स्थल जलवायु सेना का नाम अभिवंदनम स्वीकरोति एव विभिन्न राज्येषु तत् राज्यपालाः प्रतिनिध्यं वहन्ति। गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति स्थल जल और वायु सेना का अभिवंदन स्वीकार करते हैं और विभिन्न राज्यों द्वारा वहां के राज्यपाल उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। विविध प्रांतेभ्यः समागताः कलाकारा सांस्कृतिक कार्यक्रमे जनपद नृत्ये च जनमनांसि रंजयन्ति। विविध प्रांतों से अनेक राज्यों से आए हुए कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम और क्षेत्रीय कलाकार भी लोगों के मन को प्रसन्न करते हैं, है ना। कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, हर राज्य के अलग अलग होते हैं, हर प्रांत के होते हैं, हर क्षेत्र के भी होते हैं। नरेश, गुरु गणतंत्र इत्यस्य कोऽर्थः? गुरुजी, गणतंत्र का क्या अर्थ है? शिक्षक समुचित प्रश्न, उचित प्रश्न है। भारतम स्वशासन धारेण रचिता नाम राज्यानाम गणरूपम वर्तते। राज्य स्तरे प्रादेशिकम शासनम राष्ट्रीय स्तरे गणतंत्रम एक रूपम वर्तते। भारत स्वशासन के आधार से बने हुए राज्यों का गणरूप है। क्या कहा शिक्षक ने कि भारत जो है वह स्वशासन के आधार से बने हुए राज्यों का एक गणरूप है और यहाँ राज्य स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर भी गणतंत्र का एक रूप प्रवर्त है। श्यामला, यही गणतंत्र है ना। उसने पूछा कि गणतंत्र का अर्थ क्या, तो भारत अपने स्वशासन के आधार पर बना हुआ राज्यों का एक गणरूप है, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर राज्य स्तर और प्रादेशिक स्तर पर भी एक गणतंत्र एक रूप में प्रवर्त है। श्यामला, गुरु अस्य पर्वणि एकता ऐतिहासिकं महत्वं ज्ञातुम् इच्छामि। गुरुजी, मैं इस पर्व का ऐतिहासिक महत्व जानने की इच्छा रखती हूँ। शिक्षक अहम विस्तरेण वदामि। शिक्षक कहते हैं मैं विस्तृत से बताता हूँ या विस्तार से बताता हूँ। प्रतंत्रता काले 31/12/1929 दिनांकर 1/1/1930 दिनांकर यावत तत्कालीन कांग्रेस संस्थाया लाहौर नगरे अधिवेशनम अभवत। प्रतंत्रता, जब हमारा देश गुलाम था ना, उस समय 31 दिसंबर 1929 तारीख से 1
जनवरी 1930 तारीख तक तत्कालीन कांग्रेस संस्था द्वारा लाहौर में एक बैठक हुई। क्या हुआ? लाहौर में एक बैठक हुई, तस्मीन अधिवेशन, और उस अधिवेशन में सर्वे राष्ट्रीय नायक सार्वभौम तंत्र रचियाम इति प्रतिज्ञा कृता। सभी राष्ट्र नायक सार्वभौम तंत्र की रचना करना है, उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की। लाहौर अधिवेशन में राष्ट्रभक्ते त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अपि कृतम, और लाहौर अधिवेशन में राष्ट्रभक्तों द्वारा त्रिवर्ण ध्वजारोहणम मतलब तीन रंग का झंडे का फहराना, जैसे मैंने आपको बताया है ना, वी फहराना। भारतीय नाम अयम प्रतिज्ञा स्वप्न 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य पंचदश दिनांके पूर्णतां गतः। और भारतीयों का यह जो सपना था, यह स्वप्न था है ना, क्या स्वप्न था भारतीयों का? आज़ादी का है ना। तो ये जो सपना था वो किस दिन पूरा हुआ? 15 अगस्त 1947 को यह स्वप्न भारतीयों का पूरा हुआ। देश स्वतंत्र अभवत, देश आजाद हुआ। तदा आरंभ प्रतिवर्षे 15 अगस्त दिने वयम स्वतंत्रता दिवस आयोजन, और तभी से शुरुआत हुई, तभी से हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस आयोजित करते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अनंतरम 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधान प्रारब्धम इति कारणात् प्रतिवर्ष अस्मिने दिने समग्र राष्ट्रे वयम गणतंत्र दिवस आचरण। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान आरंभ हुआ, और इसी कारण से क्या करते हैं हम हर प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन पूरा देश मनाता है, हम सभी मनाते हैं ना। सर्वे धन्यवाद, सभी कहते हैं धन्यवाद। अस्माभिः स्वतंत्रता दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य च महत्वं ज्ञातम्, हम सभी के द्वारा गणतंत्र दिवस और हम सभी को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का महत्व हमें ज्ञात हुआ। शिक्षक स्वस्ति सर्वेभ्य, सभी का कल्याण हो, ऐसा कहकर शिक्षक अपनी क्लास खत्म करते हैं और बच्चों को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में बताते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा गणतंत्र दिवस का पाठ, और आप जानते ही हैं हम कई वर्षों से, अभी कोरोना काल की वजह से हम गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन उससे पहले प्रतिवर्ष हम अपनी शाला में, सभी लोग अपने कार्यालयों में प्रतिवर्ष झंडा फहराते हैं और गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह उमंग के साथ मनाते हैं। और उस दिन क्या क्या कार्य किए जाते हैं और साथ में कौन कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, ये सभी आप जानते ही हैं, और हमने इस पाठ के द्वारा भी जाना। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्न आपको PDF के माध्यम से भेज दीजिए।